नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपका कोच कहाँ पे आएगा। जैसे दोस्तों, आप कभी भी किसी ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आज दोस्तों जब ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पे लगती है तो आपका कोच कहाँ पे आएगा, यह दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही चुटकियों में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। दोस्तों जब भी हमारा टिकट किसी भी ट्रेन में बुक होता है और हम यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हमको पता नहीं चलता है कि आखिर हमारी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे लगेगी तो आखिर मेरा कोच कहाँ पे आएगा। वह कोच दोस्तों स्लीपर हो, एसी हो, 2S हो, कोई सा भी कोच हो, जनरल क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों वह कोच कहाँ पे आएगा। अक्सर दोस्तों यह होता है कि जैसे जनरल कोच होते हैं और 2S कोच होते हैं तो हमें यह पता होता है या तो दो आगे लगा होगा, दो पीछे लगा होगा, तो हम या तो आगे खड़े होते हैं या तो पीछे खड़े होते हैं अगर दोस्तों जनरल आता है तो। और 2S में भी दोस्तों यही होता है, लेकिन दोस्तों 2S में कभी कभी क्या होता है कि जो D1, D2, D3 और D4 चार कोचेस होते हैं वो कभी कभी दोस्तों एक सीक्वेंस में नहीं लगे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ट्रेन इधर से आती है तो जब इधर से ट्रेन आती है तो S1 यहाँ रहता है, S2 वहाँ रहता है, S3 यहाँ, S4 वहाँ, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था लोगों को। तो कभी कभी क्या होता था दोस्तों कि सब लोग यहाँ पे आगे इंजन के साइड में खड़े होते थे कि D1 मेरा इधर ही आएगा, तो जब यहाँ पे खड़े रहते थे गाइस तो क्या पता चलता था बाद में D1 पीछे साइड चला गया। और वहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वहाँ पे जो कोच इंडिकेटर लगे होते हैं जो हमें बताते हैं S1, S2, S3 यहाँ पे आ रहा है, वो दोस्तों हालांकि दोस्तों उसमें तो हमें कोच की पोजीशन पता चलती है कि हमारा कोच यहाँ पर आएगा, लेकिन दोस्तों वह तब पता चलता है जब वह ट्रेन आने वाला होता है उसके 5-10 मिनट पहले। जो आपकी ट्रेन होती है दोस्तों उससे पहले कोई ट्रेन अगर नहीं आने वाली होती तभी दोस्तों आपके ट्रेन के कोच के पोजीशन का इंडिकेशन तभी होता है। उससे पहले दोस्तों अगर कोई ट्रेन आने वाली हो तो उसका इंडिकेशन पहले होता है, तो आपके ट्रेन का दोस्तों तभी बताता है जब आपकी ट्रेन आने वाली होती है, मतलब 5-10 मिनट पहले या दोस्तों उससे पहले कोई ट्रेन ना आने वाली हो तब। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, आप मान लीजिए दोस्तों इंजन साइड में खड़े हैं और दोस्तों जब वो इंडिकेशन किया तो पता चला आपका कोच काफी पीछे चला गया, तो ऐसे में भी दोस्तों बहुत काफी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों एग्जैक्ट आपके कोच की पोजीशन जानने के लिए दोस्तों आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है दोस्तों वेयर इज माई ट्रेन। वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को दोस्तों आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोस्तों ओपन करने के बाद आप अपने ट्रेन की लाइव करंट स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन अभी कहां तक पहुंची है, आपके स्टेशन से कितना किलोमीटर अभी वो पीछे है, आप ये भी देख सकते हैं। जब दोस्तों आप उसमें सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद दोस्तों वह आपके सारे स्टेशन ओपन हो जाएंगे कि मतलब कहां कहां होके वो आ रही है और कहां पहुंची है। उसके बाद दोस्तों ऊपर साइड में आप राइट साइड में देखेंगे आपके कोच की पोजीशन होगी, वहां पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने कोच दिखेगा। जैसे ही दोस्तों आप उस अपने कोच की पोजीशन को देखेंगे तो आप अपने मोबाइल को इस तरह से लेकर अपने प्लेटफॉर्म के सामने खड़े हो जाना है, जिससे दोस्तों आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी कि आपका कोच किस साइड आएगा। और वहां पे दोस्तों जो इंजन लगा होता है वहां पे आपको दिखेगा कि कोच पोजीशन S1, S2, D1, D2, B1, B2 कहां पे लगेगा, तो उसी हिसाब से दोस्तों आप वहां पे जा करके पहले से ही बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कोच पोजीशन पता करना आ गया होगा और यह वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलती है और दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।